नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 62 पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जो कि आपका ये वन लाइनर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आपका जो है सार संग्रह पढ़ेंगे क्लास 62। ठीक है, तो आपका मैथ्स बनवाल का, ठीक है, भारतीय चैप्टर नंबर 11। ठीक है, आपका जो है भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे, जो कि आपका है उद्योग क्षेत्र। ठीक है, तो चैप्टर 11, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का उद्योग क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे वन लाइनर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 11 आ गया, उद्योग क्षेत्र इंडस्ट्री सेक्टर। तो व्यावसायिक क्रियाकलापों के उत्पादन पक्ष को उद्योग इंडस्ट्री कहा जाता है। तो व्यावसायिक क्रियाकलापों के उत्पादन पक्ष को उद्योग इंडस्ट्री कहा जाता है। यह ऐसी व्यावसायिक क्रिया है जो वस्तुओं के उत्पादन, परिष्करण अथवा निर्माण से संबंधित होती है। औद्योगिकरण की प्रक्रिया तीव्र होने के साथ साथ अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का अंश कम हो जाता है? कृषि क्षेत्र का। ज्ञान आधारित उद्योग, तो ज्ञान आधारित उद्योग की संख्या किसे दी जाती है? तो सूचना प्रौद्योगिकी को। भारत में किन 8 उद्योगों, तो भारत में किन 8 उद्योगों को मूल उद्योग कोर इंडस्ट्री का दर्जा प्राप्त है? कच्चा तेल, पेट्रोलियम, रिफाइनरी उत्पाद, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, कोयला, विद्युत, सीमेंट तथा तैयार इस्पात। 8 मूल उद्योगों के सूचकांक इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो विद्युत उत्पादन का है। ठीक है, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। औद्योगिक और वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन PIFR किससे संबंधित है? तो आपका रुग्ण इकाइयों के पुनर्निर्माण एवं वित्तीयन से है। औद्योगिक नीति के द्वितीय वर्ग के अंतर्गत कितने आधारभूत उद्योग आते हैं? तो आपका 6 आते हैं, तो कोयला, लौह, इस्पात, वायुयान निर्माण, जलयान निर्माण, टेलीफोन तथा खनिज तेल प्रसंस्करण। तो औद्योगिक नीति के द्वितीय वर्ग के अंतर्गत कितने आधारभूत उद्योग आते हैं? तो 6 आते हैं, कोयला, ठीक है, आपका लौह इस्पात, वायुयान निर्माण, जलयान निर्माण, आपका जो है टेलीफोन तथा खनिज तेल प्रसंस्करण उद्योग। बजट 2020-21 में सरकार ने उद्योग क्षेत्र, व्यापार और निवेश पर कितनी राशि का आवंटन किया था? तो आपका 27,300 करोड़ रुपए। भारत में लघु स्तर स्मॉल स्केल का सबसे मुख्य उद्योग कौन सा है? तो आपका हथकरघा उद्योग हैंडलूम इंडस्ट्री है। कंपनी द्वारा किस पूंजी पर लाभांश की घोषणा की जाती है? तो आपका अभिजत पूंजी सब्सक्राइब कैपिटल पर की जाती है। निजीकरण, तो निजीकरण प्राइवेटाइजेशन से क्या आशय? तो निजी क्षेत्र को स्वामित्व और प्रबंधन का हस्तांतरण करना। ठीक है, नेक्स्ट आपका भारत में मेगा फूड पार्क योजना उद्देश्य खास प्रसंस्करण उद्योग के लिए अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं में सुधार लाना है। वर्ष 2005 में गठित राष्ट्रीय निवेश निधि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन NIF का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका सामाजिक क्षेत्र के परियोजनाओं में निवेश करना। BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 2000 में हुई थी। कागज विनिर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान है? तो आपका यमुनानगर, गुवाहाटी तथा बलरामपुर। ठीक है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? आपका शेर है। ठीक है, आधार क्षय एवं लाभ स्थानांतरण बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग पद का संदर्भ बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए जाने वाले कर अपवंचन टैक्स इवेशन पर प्रतिबंध लगाना है। उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए, तो उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं को आरक्षित करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? प्रभावित हुसैन समिति ने की थी। भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा? आपका गुजरात है। प्रधानमंत्री मुद्रा, तो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? आपका लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना है। भारत में उद्योग हेतु लाइसेंसी प्रणाली का आधार क्या था? तो आपका उद्योग अधिनियम 1951 था। उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? तो उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित करने का उद्देश्य आपका सूक्ष्म व्यापार स्थापित करने हेतु आसान वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्व स्थापित लौह इस्पात के कारखाने, तो आपका स्थान कुल्टी, ताज और स्थापना। ठीक है, तो आपका जो है लौह इस्पात का जो कारखाना कुल्टी में स्थापित हुआ था पश्चिम बंगाल में 1870 में, और आपका झारखंड के साक्षी में लौह इस्पात का कारखाना 1907 में स्थापित हुआ था। हीरापुर के पश्चिम बंगाल में 1908 में आपका लौह इस्पात का कारखाना स्थापित हुआ था, और भद्रावती के कर्नाटक में आपका जो है वर्ष 1823 में स्थापित हुआ था लॉज पासा कारखाना, और आपका पश्चिम बंगाल के बरनपुर में
1937 में लौह इस्पात का कारखाना स्थापित हुआ था। ठीक है, तो ये आपका स्वतंत्रता पूर्व स्थापित लौह इस्पात के कारखाने। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल के कुलटी में वर्ष 1870 में स्थापित हुआ था। झारखंड के साकची में वर्ष 1907 में, पश्चिम बंगाल के हीरापुर में वर्ष 1908 में, कर्नाटक के भद्रावती में वर्ष 1823 में, और पश्चिम बंगाल के बलरामपुर में वर्ष 1937 में। ठीक है, वर्तमान में कपड़ा निर्यात में, तो वर्तमान में कपड़ा निर्यात में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है भारत सरकार द्वारा महारत्न योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो आपका दिसंबर 2009 में की गई थी। भारत का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग कौन सा है, तो आपका कपड़ा उद्योग है। भारत की सिलिकॉन घाटी की संज्ञा किससे प्रदान की गई थी, तो बेंगलुरु को की गई थी। राष्ट्रीय नवीकरण कोष का गठन क्यों किया गया था, तो आपका उद्योगों के आधुनिकरण के बाद विस्थापित श्रमिकों की पुनर्स्थापना हेतु। वर्ष 1991 में उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन और भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन की नई आर्थिक नीति की घोषणा किस सरकार के द्वारा की गई थी, तो नरसिम्हा राव सरकार द्वारा की गई थी। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विकास अधिनियम, तो आपका MSMDA कब पारित किया गया था, तो आपका वर्ष 2006 में किया गया था। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी संबंधी कानून सर्वप्रथम किस देश में बनाया गया था, तो आपका भारत में बनाया गया था। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत जिन कंपनियों का विशिष्ट शुद्ध मूल्य कारोबार या लाभ ये एक सीमा से अधिक है, उन्हें अपने पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान कमाए गए औसत तो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत जिन कंपनियों का विशिष्ट शुद्ध मूल्य कारोबार या लाभ एक सीमा से अधिक है, उन्हें अपने पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान कमाए गए औसत शुद्ध लाभ का 2% CSR नीति पर खर्च करना होगा। ठीक है, उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण, तो उद्योगों का सर्वार्षिक सर्वेक्षण किसके द्वारा किया था, तो आपका राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा किया जाता है। भारत में कृषि क्षेत्र के बाद कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, तो आपका कपड़ा उद्योग करता है। भारत में लघु स्तरीय व कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना क्यों आवश्यक है, तो भारत में लघु स्तरीय व कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना क्यों आवश्यक है, तो रोजगार के अवसरों में वृद्धि हेतु। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा औद्योगिक निष्पादन सूचकांक इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार वर्ष को वर्ष 2004-05 से बदलकर नया आधार वर्ष कौन सा कर दिया गया, तो वर्ष 2011-12 कर दिया गया। ठीक है, रोजगार के दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, आपका हथकरघा उद्योग है। वर्ष 1999 में किसकी अध्यक्षता में प्रतिस्पर्धा नीति पर कानून गठन हुआ था, तो SBS राजभवन की समिति पर। ठीक है, ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई, तो वर्ष 1991 में अपनाई गई। ठीक है, तो भारत में उदार औद्योगिक नीति वर्ष 1991 में अपनाई गई थी। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स का आकलन कितनी अंतराल पर किया था, तो वर्ष मासिक आधार पर किया था। ठीक है, वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं क्या कहलाते हैं, तो वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हुए कुटीर उद्योग कहलाते हैं। सूचना क्रांति के जनक की संज्ञा किसने प्रदान की जाती, तो सूचना क्रांति के जनक की संज्ञा आर्थर सी क्लार्क को दी जाती है। मीरा सेठ समिति किससे संबंधित है, तो मीरा सेठ समिति आपका हथकरघा के विकास से संबंधित है। नेक्स्ट आपका असंगठित सेक्टर, तो असंगठित सेक्टर के उद्योग के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो अर्जुन सेन गुप्ता थे। सत्यम समिति का संबंध किससे, तो आपका वस्त्र नीति से, तो सत्यम समिति का संबंध आपका वस्त्र नीति से है। भारत में राज्य वित्त निगमों ने मुख्य रूप से किसके विकास में सहायता दी थी, तो मध्यम एवं छोटे पैमाने के उद्योगों में। भारत में पर्यटन और होटल उद्योग के विकास का उत्तरदायित्व किस पर है, तो भारत में पर्यटन और होटल उद्योग के विकास का उत्तरदायित्व आपका भारत पर्यटन विकास निगम इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ITDC पर है। नायक समिति किस से संबंधित है, तो आपका नायक समिति आपका लघु उद्योग से संबंधित है। आधुनिक सभ्यता के विकास के लिए सबसे मूलभूत उद्योग किसे माना जाता है, तो आधुनिक सभ्यता के विकास के लिए सबसे मूलभूत उद्योग आपका लौह इस्पात को माना जाता है। चीनी को नियंत्रण मुक्त करने के लिए किस समिति ने सिफारिश की है, तो आपका सी रंगराजा समिति ने की थी। किस वित्तीय वर्ष से सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, तो वर्ष 1991-92 में। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किससे संबंधित है, तो आपका
वायुवानों के उत्पादन से समर्थ है। स्वतंत्रता के बाद स्थापित प्रमुख इस्पात केंद्र, तो स्वतंत्रता के बाद स्थापित प्रमुख इस्पात संयंत्र कौन है, तो आपका जो है इधर आपका इस्पात संयंत्र का नाम है, इधर आपका स्थापना वर्ष, इधर आपका स्थापना में सहयोगी देश, ठीक है। तो राउरकेला जो कि आपका राउरकेला इस्पात जो कि उड़ीसा में इसका स्थापना हुआ था 1955 में, और ये आपका जो है जर्मनी के सहयोग से जो है इसको स्थापित किया गया था। भिलाई इस्पात संयंत्र जो कि आपका छत्तीसगढ़ में, इसकी स्थापना 1955 में हुआ था, और इसकी स्थापना यूएसएसआर पूर्व सोवियत संघ अभी आपका रूस के सहयोग से किया गया था, ठीक है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र आपका पश्चिम बंगाल में, इसका स्थापना 1955 में किया गया था, और इसका जो सहयोगी देश था ब्रिटेन था, ठीक है। बोकारो आपका जो है बोकारो इस्पात संयंत्र आपका झारखंड में, और इसका स्थापना 1964 में हुआ था, और इसको जो है पूर्व सोवियत संघ रशिया के द्वारा इसको जो किया गया था जो है स्थापना, ठीक है, सहयोग से, ठीक है। नेक्स्ट आपका है भारत में सहकारी स्वामित्व वाले पहले, तो भारत में सहकारी स्वामित्व वाले पहले उर्वरक कारखाने की स्थापना, पहले उर्वरक कारखाने की स्थापना वर्ष 1951 में सिंदरी बिहार में किया गया था, ठीक है, सिंदरी बिहार में किया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार में देखा आज का वीडियो, तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमारा चैप्टर नंबर 2 होगा जो कि आपका होगा गरीबी एवं बेरोजगारी प्रॉपर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट का चैप्टर होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।